10th क्लास, गुड मॉर्निंग। नाउ रेडी फॉर चैप्टर नंबर 3 एंड 2nd लेक्चर। यू नो अबाउट द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्ट। जैसा कि मैंने इससे पहले बताया है आपको, एंशिएंट सिविलाइजेशन में जैसे कि आपको मोहनजोदाड़ो, फिर उसके बाद उसके रोड्स की अवेलेबिलिटी, ड्रेनेज सिस्टम, पब्लिक बाथ, पब्लिक बिल्डिंग, इन सब के बारे में जानकारी हुई थी। उसके बाद हड़प्पा सिविलाइजेशन, फिर आपका धौलावीरा सिविलाइजेशन के बारे में हमने बात की थी। तो नाउ आज मैं लोथल के बारे में बात करता हूँ। एक्चुअली लोथल इज सिचुएटेड धोलका तालुका ऑफ अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट। यदि हम धोलका की बात करें, ये जो प्लेस है वो दो नदियों के बीच का प्लेस है। एक नदी जिसका नाम है भोगावो और दूसरा साबरमती। इट इज 18 किलोमीटर फॉर फ्रॉम बे ऑफ खम्बात, फ्रॉम थ्री लेयर ऑफ ह्यूमन हैबिटेट वेयर फार्म। यदि हम इस प्लेस की बात करें तो ये खम्बात की खाड़ी से लगभग 18 किलोमीटर दूर है, जो कि धोलका तालुका से संबंध रखता है, जो कि अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। यदि हम इस सिविलाइजेशन की बात करें, यदि हम इसके बारे में बात करें, तो यहाँ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन के अनुसार यहाँ एक बहुत ही ह्यूज डॉकयार्ड मिला है, जिसके पता चलता है कि यहाँ एक बहुत ही बड़ा शिपयार्ड रहा होगा। दूसरी बात ये भी है, ये जो लोथल है बहुत ही यूनिक फीचर से भरा हुआ है, सच एस डॉकयार्ड, स्टोरेज शॉप एंड सो अदर प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ से कुछ चीज़ों का जाना और आना भी रहा है, कुछ ऐसे बिजनेस भी रहे हैं जिससे इसका बहुत बड़ा एक तरीके से जुड़ाव रहा है। आगे हम ये देख सकते हैं, दिस इज ए रिच प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड इट इज़ मच ग्रेटर प्राइड एंड नॉट फॉर ओनली द गुजरात बट ऑल ओवर ऑफ इंडिया। अब बात आती है मौर्यन आर्ट की। मौर्यन आर्ट के अंतर्गत सबसे पहला जो आपका पॉइंट है वो है स्तूप। कह सकते हैं स्तूप क्या एक तरीके से एन ए ओवल सेप कंस्ट्रक्शन अंडर विद अ रिमाइन ऑफ लॉर्ड बुद्धा। ये यदि हम स्तूप की बात करें तो भगवान बुद्ध के से संबंधित इसमें एक क्या है, प्रे प्लेस है। यहाँ पे भगवान बुद्ध से संबंधित चीज़ें पाई जाती हैं। लॉर्ड जो बुद्धा थे उनसे संबंधित इसको माना जाता है, और ये एक बॉक्स टाइप होता है जिसे हम एक तरीके से स्तूप बोलते हैं। इंडिया के अंतर्गत 5 बहुत ही फेमस स्तूप रहे हैं। सबसे पहले किंग अशोका के टाइम में एक स्तूप था जिसे हम सांची का स्तूप बोलते हैं। सेकंड स्तूप ऑफ सारनाथ, थर्ड है स्तूप ऑफ बैरात, फोर्थ स्तूप ऑफ नंदनगढ़ एंड फिफ्थ स्तूप ऑफ देवानीमोरी इन गुजरात। बिसाइड्स इसके अंतर्गत चैत्यास बिहार एंड मठास वर कंस्ट्रक्टेड। कहने का मतलब है इसके अंतर्गत चैत्यास को भी रखा जाता है, बिहार को भी, और मठास जो होते हैं उन सबको इसी के अंतर्गत रखा जाता है और इसी के अंतर्गत इनको कंस्ट्रक्ट भी किया जाता है। द पीरियड ऑफ किंग अशोका वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑफ बुद्धिज्म रिलीजियस एंड एज ऑफ स्कल्पचर एंड आर्किटेक्ट। यदि हम टाइम ऑफ अशोका की बात करें तो दिस इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट टाइम ऑफ स्तूप, इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट टाइम ऑफ लॉर्ड बुद्धा एंड दिस टाइम इज द प्रॉस्पेरिटी ऑफ बुद्धिज्म रिलीजियस एंड दिस एज इज़ द गोल्डन पीरियड ऑफ स्कल्पचर एंड आर्किटेक्ट। सो नाउ गाइज, बुद्धिज्म रिलीजियस हैज़ गिफ्टेड सो मैनी केव्स, बिहार, चैत्यस एंड स्तूप टू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्ट।
ये कह सकते हो जो रिलीजियस था इसके अंतर्गत आपको बहुत सी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। बहुत सी ऐसी गुफाएं हैं, बिहार हैं, चैत्य हैं, स्तूप्स हैं जो कि आर्किटेक्ट भवन निर्माण के रूप में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आज भी इस पर कई तरीके के जो है रिसर्च के चलते रहते हैं। आगे है स्तूप ऑफ सांची, जैसा कि आपने सुना भी होगा, इट इज़ द टाइम ऑफ सांची स्तूप, इट इज़ द टाइम ऑफ अशोकास। ये एक तरीके से अशोक के समय में था। द सांची स्तूप वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। ये वो स्तूप था जिसे मौर्य टाइम में बनवाया गया था। इट इज़ सिचुएटेड एट मध्य प्रदेश। द ओरिजिनल स्तूप ऑफ सांची वॉज मेड ऑफ ब्रिक्स। इसके यदि हम ओरिजिनल की बात करें तो ये जो स्तूप था किससे बनाया गया था, ब्रिक्स से बनवाया गया था, ईंटों से बनवाया गया था। एंड इट इज़ वाज द हाफ इन साइज कंपेयर टू द प्रेजेंट स्तूप। और ये उस समय के स्तूप की बात करें तो आज के स्तूप की अपेक्षा ये कैसा था, हाफ इन साइज। एंड दिस बुद्धिज्म स्तूप इज अ प्रीसियस स्पेसिमेन ऑफ द आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर। तो ये जो है एक बुद्धिज्म आर्किटेक्ट का एक बहुत ही बेहतरीन नमूना माना जाता है। आगे देखते हैं, फिर है आपका पिलर इंस्क्रिप्शन। पिलर इंस्क्रिप्शन की बात करें, मतलब इंस्क्रिप्शन मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं लिखावट या लिखित जो है खम्भ जो होता है उस पे, उससे संबंधित है ये पिलर इंस्क्रिप्शन। मतलब पिलरों पे लिखा गया जो भी संदेश है या मैसेज है या जो भी हिस्टोरिकल लैंग्वेज या टाइम, उस टाइम पीरियड का जो भी कुछ हिस्ट्री रही होगी उसको जो है इंस्क्रिप्शन के माध्यम से पिलर पर दर्शाया जाता था। तो ये देखते हैं, इंस्टोन इंस्क्रिप्शन की बात करें, शिलालेख, तो इसके बारे में देखते हैं। तो इंस्टोन इंस्क्रिप्शन वाज मेड फ्रॉम सिंगल रॉक। एक्चुअली इन्हें सिंगल रॉक पर बनाया जाता है, उकेरा जाता था, लिखा जाता था। एंड स्टोन इंस्क्रिप्शन कर्व आउट बाई द रिलीजियस ऑर्डर ऑफ एम्परर अशोका आर द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ द इनग्रेविंग ऑन स्टोन। अशोका के समय जो स्टोन इंस्क्रिप्शन थे वो इतिहास के सबसे बेहतरीन इंस्क्रिप्शन में से एक माने जाते हैं, गिने जाते हैं। एंड दे वर पॉलिश्ड सो वेल देन दैट दे ग्लैम साइन सच पिलर वाज इरेडिकेटेड इन अम्बाला, मेरठ, इलाहाबाद और सारनाथ, लोरिया नियर द नंदनगढ़ एंड सांची, काशी, पटना एंड बुद्धि वरुष्क नियर द बोधगया, दे वर केप्ड इन ब्राह्मीन स्तूप। एक्चुअली यदि हम इन स्तूप की बात करें तो ये स्तूप अशोका के समय में सबसे ज़्यादा इनको क्या किया गया था, कंस्ट्रक्ट कराया गया था, इंस्क्रिप्ट किया गया था। तो ज़्यादातर ये जैसे कि आपका अंबाला है, मेरठ है, इलाहाबाद है और सारनाथ है, इसमें आपको सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलेंगे। और नेक्स्ट आपका आ जाता है पिलर एट सारनाथ। द स्टोन इंस्क्रिप्शन एट सारनाथ इज़ द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ द स्कल्पचर। यदि हम शिलालेखों की बात करें तो जो सारनाथ के शिलालेख हैं वो सबसे बेस्ट में से एक इंस्क्रिप्शन माने जाते हैं, काफ़ी फेमस इंस्क्रिप्शन है वो। एंड द पिलर हैज़ फोर लाइंस फेसिंग फोर डायरेक्शन। यहाँ जो पिलर है उस पर, उस पिलर पे चार जो है लाइन फेस दिखाए गए हैं, जो चारों जो है दिशाओं का जो है दिखाने का कार्य करते हैं। सारनाथ प्रीचिंग प्लेस ऑफ द लॉर्ड बुद्धा। सारनाथ में एक तरीके से देखा जाए तो लॉर्ड बुद्धा के द्वारा वहाँ पे क्या स्पीच दी गई थी, काफ़ी फेमस रहा है लॉर्ड बुद्धा के लिए। एंड धर्मचारक आर कवर कर्व बिलोंग द लाइन इमेज, दिस चक्र इंडिकेटेड द ट्रम्प ऑफ रिलीजियस, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड द धर्म चक्र। और यहाँ पे क्या एक चक्र बनाया गया है जो लगातार चलायमान रहता है, मतलब चलने की ओर संकेत करता है, कंटिन्यूटी की ओर संकेत करता है, जो भी इस रिलीजियस को इम्प्रूव करने का संकेत देता है। अपार्ट फ्रॉम दिस इट हैज़ स्कल्पचर
अप एलिफेंट हॉर्स एंड द ब्लॉक। इसमें जो है इसी स्कल्पचर के अंतर्गत हाथी का साथ में घोड़े का और साथ में बुलुक सांड के इसका जो है सांड को भी दिखाया गया है या दिखाया गया है दर्शाया गया है। एंड दिस चक्र हैज़ बीन में प्लेस्ड इन द नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक इंडिया। जो अपना रिपब्लिक इंडिया का जो फ्लैग है नेशनल फ्लैग उसके अंतर्गत जो मध्य में जो एक तरीके से आपका चक्र दिखाया गया है वो कहीं ना कहीं सारनाथ से ही लिया गया है और वहीं से इस चक्र को लेकर के लगातार प्रयत्नशील लगातार कंटिन्यूटी का संदेश देने के लिए लिया गया है। इमेज ऑफ फोर लाइन्स हैज़ बीन प्लेस्ड एज अवर नेशनल एम्ब्लेम एंड दिस इज कंसिडर्ड टू बी एंड द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ कल्चरल इन द वर्ल्ड स्कल्पचर इन द वर्ल्ड। तो हम कह सकते हैं ये घोतक हैं हमारे देश के मतलब चारों दिशाओं में हमारे एक तरीके से स्वाभिमान के हमारे साहस के साथ में ये जो स्कल्पचर हैं कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में बहुत ही बेस्ट माने जाते हैं। आज भी इन्हें देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से जो है लोग आते हैं और इसको इस पर काफ़ी रिसर्च करते हैं और सर्च करते हैं देखकर जो है इसके बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज भी इकट्ठी करते हैं।